एवरीवन, ये उपाय की 15th क्लास है और अब से जो भी क्लासेज आगे की होंगी उस पूरे पूरे मतलब टाइम पीरियड को हम गांधीयन एरा बोलेंगे, मतलब गांधी का टाइम। तो उसमें जो भी बड़े आंदोलन होंगे उसमें गांधी जी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई योगदान रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए गांधीयन एरा बोलते हैं इसको, आगे वाली चीज़ों को। और ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी होने वाला है कि किस तरह से हमारे आज़ादी का आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि हम लोग ऐसे चलेंगे कि लगभग आज के बाद में 3 क्लास और होगी, तो हम लोग देखेंगे कि 1910 से 20 के बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई, फिर 20 से 30 के बीच में कौन सी हुई, 30 से 40 के बीच में कौन कौन सी हुई, और 40 से 47 के बीच में कौन कौन सी बड़ी एक्टिविटीज़ हुई। तो इस तरह से लगभग 4 क्लासेज में मैंने इसको डिवाइड किया। तो आज पहला वाला पार्ट लेके चलेंगे लगभग 1910 से लेके और 1925 तक की मैं एक्टिविटीज़, 22 तक की एक्टिविटीज़ आज ले रहा हूँ। अगली क्लासेज में अगले 10 सालों को इस तरह से 10-10 सालों का हम अंतराल लेके और 4 क्लासेज में इसको ख़त्म करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने इस क्लास में जो हैं वो आपको पढ़ाई हुई है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में ये वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर किसी एग्ज़ाम में अगर अंदर की चीज़ें पूछनी है तो वो रिवोल्यूशनरी मोमेंट पूछेंगे, क्रांतिकारियों के बारे में पूछेंगे, जो मैं पहले पढ़ा चुका आप लोगों को। बट अगर सिंपल क्वेश्चंस पूछने, ऊपर ऊपर से कोई एग्ज़ाम होता है लाइक टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं या बैंक के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बहुत अंदर की चीज़ें नहीं पूछते, तो ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को अभी तक ये चीज़ पता चल गया कि कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, 1885 में। लगभग 20 साल तक मॉडरेट्स का ज़माना रहा, और 20 साल तक मॉडरेट्स का ज़माना होने के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों का उन पे से विश्वास उठने लग गया। तो कौन सा ज़माना आ गया, एक्सट्रीमिस्ट का ज़माना आ गया। और उसको हवा कहाँ से मिली, 1905 में जो बंग भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से लोगों का जो क्रोध था अंदर का वो फूट पड़ा, और वो एक्सट्रीमिस्ट की साइड सारे के सारे लोग हो गए, और एक तरह से उनका ज़माना स्टार्ट हो गया। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष का ज़माना स्टार्ट हो गया, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और लगभग 2 साल के अंदर अंदर कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई। अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे सख्त कानून लाए जिस वजह से जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के बाद में, वो स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म हो गया, लोग निराश हो गए, तिलक को बर्मा की जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद में लाला लाजपत राय छोड़ के चले गए अपने यूएसए अमेरिका। तो इस वजह से जो लीडर्स थे वो अचानक से गायब हो गए। सपोज कीजिए आज कोरोना है आपके सोसाइटी में, अचानक से हमारे लीडर्स गायब हो जाए, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं कहाँ चले जाएं, या और भी जो लीडर्स हैं बड़े बड़े वो गायब हो जाएं, तो जनता क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, समझ में नहीं आएगा कि करे क्या। इस तरह से जो मेन लीडर्स थे उस टाइम के, वो अचानक से पूरा सीन से गायब हो गए। इस वजह से क्या हुआ, वो पूरा आंदोलन लीडरलेस हो गया, और इस वजह से क्या हुआ, बहुत से जिनके अंदर बहुत एनर्जी थी, जो यंग लोग थे और एनर्जी थी जिनके अंदर, उन्होंने बोला अब क्या करें, हमें तो कुछ करना था पर ये तो आंदोलन तो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि चलो अब ऐसा करते हैं, चुन चुन के मारते हैं इन अंग्रेज़ों को। तो वो किसी पे बम फेंक देते थे, किसी पे क्या कर देते थे, इस तरह की एक्टिविटीज़ इधर उधर इंडिविजुअल हीरोइज्म की एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। जैसे प्रफुल्ला चाकी ने और इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था, हार्डिंग पे बॉम्ब फेंक दिया गया, इस तरह की एक्टिविटीज़, रासबिहारी बोस ने बॉम्ब फेंक दिया, इस तरह से बहुत सारे बॉम्ब इधर उधर फेंके जाते थे। इन सब से तंग आके अंग्रेज़ों ने बोला कि ये विभाजन को रद्द करते हैं, पर दिल्ली कोलकाता से हम दिल्ली अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे, और कोलकाता का विभाजन, बंगाल का विभाजन रोक देते हैं। ये सब काम हो गया 1911-12 तक। 12 में क्या हुआ, हार्डिंग हमारा वॉइसराय बन के आए, और उन पे भी बॉम्ब फेंक दिया गया, हाथी पे चल रहे थे, उनका तो कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं, हाथी को चोट लगी और एक आदमी भी मर गया। उसके बाद में इन लोगों ने पूरे मतलब जो हिंदुस्तान में इस तरह की जो एक्टिविटी कर रहे थे उन पे पूरी तरह से लगाम लगा दिया अंग्रेज़ों ने। नए नए कानून ले आए, इंडियन डिफेंस एक्ट नाम से एक कानून आया, और उसके तहत और भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनको और जेलों में डाल दिया गया या फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं अभी तक, अब क्या हो रहा है, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो होने वाली, देखिए क्या बड़ी चीज़ें होने वाली। 1916 में एक बड़ी चीज़ हुई जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट, वेरी फेमस पैक्ट। मतलब पैक्ट क्या बोलते हैं, दो गुटों के बीच में एक समझौता, लखनऊ समझौता। कब हुआ था, 1916 में। देखो पहले मैंने बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये अलग अलग संस्थाएं थी, और दोनों एक तरह से एक दूसरे के
मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, अपोजिट ही चलते थे एक दूसरे के। और अंग्रेजों ने और उसको बढ़ावा दिया था कि मुस्लिम लीग को और सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, मतलब उनको अलग, उनको उनका जब भी उनका कोई बंदा खड़ा होगा तो उसके लिए सिर्फ मुस्लिम ही लोग वोट डालेंगे। तो और मोलमेंटो में ये और दे दिया था, तो मुस्लिम्स के खिलाफ और कांग्रेस हो गई थी और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। तो ये जो खेमे थे सोसाइटी में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही चलते थे। एक तो ये बड़ी बात हुई थी। दूसरा क्या हो गया था सूरत में, क्या हो गया था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी अलग अलग हो गए थे सूरत वाले में 1907 में। पर 1916 में जो लखनऊ में एक कांग्रेस का क्या बोलेंगे सेशन हुआ था, जो हर साल होता था, उसमें क्या हुआ कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वापस से रिजॉइन कर लिए, मतलब वापस से मिल गए, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी एक साथ में आने का फैसला कर लिया। एक साल में ऐसा नहीं, एक साथ में ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग की संस्था ही ख़त्म होगी, नहीं, बस एक साथ आने का मतलब है कि अगर आप कोई भी कल को कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तो मुस्लिम लीग वाले बोले हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बनाने के लिए इन्होंने बोला कि हम लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, वो आगे आने वाले आंदोलनों में दिखा भी, ठीक है। पर जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, दोनों चीज़ अच्छी हुई, पर जो ख़राब हुई वो कांग्रेस ने क्या किया, एग्री कर लिया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है जो मुस्लिम्स को मिला था, कि कोई मुस्लिम बंदा खड़ा होगा कोई चुनाव में तो उसके लिए सिर्फ मुस्लिम लोग ही जाके वोट करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है हम इसका विरोध नहीं करेंगे आगे से। इससे पहले कांग्रेस विरोध करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मतलब गलत है, आप तो मतलब हिंदू मुस्लिम में दरार कर रहे हैं, अंग्रेजों को बोलते थे। पर इसके बाद में इन्होंने बोला कि हम वी विल नॉट अपोज दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बड़ी घटना 1916 में क्या हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक भी आ गए थे जेल की, 6 साल की जेल काट के 1914 में, और ये एनी बेसेंट तो इंडिया में काम ही कर रहे थे, साइड में देख सकते हैं आप, एनी बेसेंट है ये, बाल गंगाधर तिलक है, इन दोनों ने होम रूल लीग स्टार्ट किया। एक तरह से संस्था का नाम है आप याद रखिए, एक तरह से होम रूल लीग। होम रूल लीग में ये लोग क्या करते थे, गांव गांव शहर शहर जाते थे और नौजवानों को समझाते थे कि देशभक्ति क्या है, देश के लिए क्या करना है हम लोगों को। तो उनके लिए मतलब हर गांव गांव से उन्होंने लीडर तैयार किए, जैसे आपके गांव में आ गए कल को होम रूल लीग वाले, और वो बताएंगे कि देशभक्ति क्या है, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या क्या जुल्म किए, तो हमको होम रूल चाहिए। होम रूल मतलब घर का राज्य, मतलब एक तरह से हमारे खुद का राज्य होना चाहिए, हमारे ऊपर जो नेता है वो भी इंडियन होना चाहिए, जो हमारे ऊपर अफसर बैठेगा वो भी इंडियन होना चाहिए, और हम में से होना चाहिए, इसको बोलते हैं होम रूल एक तरह से। तो इसके लिए जो लीग बनाई गई, लीग मतलब जो संस्था बनाई गई उसको बोलते हैं होम रूल लीग, ठीक है। तो देखिए एक तरह से गांव गांव में जाती थी और बहुत सारे गांव में लीडर्स तैयार करती थी, और वो लीडर्स पहले तो स्टार्टिंग में लीडर तैयार होते, पहले तो कई साल तक छुट में लीडर रहे, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए और गांधी जी का टाइम आया तो वो बड़े बड़े लीडर्स बन गए अपने अपने एरिया के, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने नए नए लीडर्स बना दिए हर गाँव में हर शहर में, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ कल को लड़ाई हो तो लड़ा जा सके, ठीक है। और इनका क्या था, स्वराज, होम रूल मतलब स्वराज, खुद का राज्य चाहिए हमको, हमको नहीं चाहिए कि कोई दूसरा बाहर से आके हम पे राज करे। स्वराज इनको मतलब घर घर इन्होंने नारा पहुंचा दिया कि स्वराज हमको चाहिए, स्वराज हमको चाहिए। तो ये दो लोग थे उसमें मेन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बाल गंगाधर तिलक ने, अब ये दोनों एक साथ काम नहीं किया, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही था, इनका भी कॉन्सेप्ट स्वराज का था या होम रूल लीग का था, इनका भी होम रूल लीग का था। तो अब दोनों एक साथ काम नहीं किए, तो इन दोनों ने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग बनाया और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग बनाया, जिसको नेशनल होम रूल लीग बोला इन्होंने, है ना। और इन्होंने अपना बाल गंगाधर तिलक का तो सिंपल होम रूल लीग का, तो अभी इन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम अपने अपने अलग अलग बनाएंगे, पर एक जगह काम नहीं करेंगे, कि सेम मुंबई में आप भी काम करोगे मैं भी काम करूँगा तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो गंगाधर तिलक ने बोला कि ठीक है मैं पुणे एरिया में काम करूँगा, और काफ़ी बड़ा था पुणे एरिया, ऐसा नहीं कि, और इनको बोला, एनी बेसेंट ने बोला कि ठीक है मैं बॉम्बे और जो बाकी बचा भारत उसमें अपने सेंटर्स खोलूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होम रूल लीग की बड़ी घटना हुई थी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया, एनी बेसेंट को, और फिर उसके लिए प्रोटेस्ट भी बहुत सारे हुए, और उसके बाद में ये बहुत पॉपुलर बन गई, जैसे अन्ना हजारे को कर लिया था गिरफ्तार, उसके बाद अन्ना हजारे बहुत पॉपुलर हो गए थे, और उसके बाद में क्या हुआ कि इनको इतनी पॉपुलर हो गई थी कांग्रेस का एक सेशन का ये प्रेसिडेंट भी बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है। ठीक है उस पर अभी इतना नहीं बताना, ठीक है, आगे चलते हैं।
ये दोनों मोमेंट दो 1916 के आपको पता चल गए। अब गांधी जी जब आ गए थे 1914 में, गांधी जी आ गए थे 1914 के बाद में, इन्होंने अपना एक साबरमती में एक आश्रम खोल लिया था, वहीं पर रहते थे। धीरे धीरे उनको उनका दिमाग चलने लगा कि अब करूँ क्या, भारत में तो आ गया। तो इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बोला कि भाई तुम सीधा आंदोलन में मत कूदो, पहले आराम से देख लो भारत में क्या चीज़ चल रही है। गांधी जी ने बोला मैं एक साल तक पूरे भारत की कंडीशन देखूंगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ये करते करते लखनऊ वाले जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उस लखनऊ वाले सेशन में ये भी चले गए अटेंड करने के लिए। यहाँ पे इनको कौन मिले, राजकुमार शुक्ला, बिहार से राजकुमार शुक्ला। राजकुमार कल भी बताया था मैं, राजकुमार शुक्ला ने बोला कि सर जी आप हमारे चंपारण एक जगह है उसमें आके देखिए, वहाँ के किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये चंपारण चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही थी, जो किसान थे उनको इंडिगो की फसल करने के लिए बोला जाता था, इंडिगो, ठीक है, फोर्स्ड टू डू इंडिगो। अब इंडिगो की फसल करने से क्या हो रहा था, उनकी खेती खराब हो रही थी, उनकी ज़मीन खराब हो रही थी इंडिगो से, ठीक है। पर जो प्लांटर्स थे, ठीक है, प्लांटर्स मतलब जो निर्णय लेते थे, क्या होता था जैसे जमींदार टाइप का मान लीजिए, तो क्या होता था अंग्रेजों ने प्लांटर्स को दे रखा था कि भाई आप इतनी वाली इतनी ज़मीन है, आप कुछ भी खेती करवा लीजिए इस एरिया में जाके, बस हमको अपना कमीशन देते रहिए। तो किसान के साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि किसान की खेती खराब होती थी वो इंडिगो कराने से, जो पर जो प्लांटर्स थे जो कि सारे ब्रिटिश लोग ही थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी एक तरह से, तो वो खेती करवाती थी इंडिगो की, पर इंडिगो की वजह से खेती खराब होती थी, उनकी ज़मीन खराब होती थी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती थी, इसलिए वो लोग परेशान थे। और कोई अगर खेती नहीं करता था तो उसके खिलाफ केस कर दिया जाता था उस किसान के खिलाफ, या उससे बोला जाता था कि आप इतना पैसा दो तब हम आप इस खेती से मतलब इंडिगो की खेती से दूर जा सकते हो, सिंपल सी बात, मतलब आप परेशान हो जाओगे। तो गांधी जी वहाँ पे गए, उन्होंने बोला ये तो गलत है, इन्होंने पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट चला दिया वहाँ पे जाके कि मैं कोई कानून वानून यहाँ पे आप आ रहे हो, मैं तो वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करूँगा। वहाँ के प्रशासन ने बोला कि नहीं कर सकते आप प्रोटेस्ट, इसने बोला मैं तो आपका कानून नहीं मान रहा, बोलो क्या करोगे। तो चले गए यहाँ पे, बोले मैं आपका कानून नहीं मान रहा, और वो जब कानून नहीं मान रहा तो उसको क्या बोलते हैं, जब कानून की अवहेलना करते हैं कोई इंसान तो उसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस था भारत में उनका, वहाँ तो करके आ गए थे साउथ अफ्रीका में, पर यहाँ उनका पहला था, ठीक है। और जब इन्होंने कानून को नहीं माना तो ऑब्वियसली ये गिरफ्तार हो गए, आपको दिख रहे होंगे पुलिस वाले भी दिख रहे होंगे, ये गिरफ्तार हो गए। फिर उसके बाद में मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे ये इतने बड़े फिगर नहीं थे, इतने बड़े आदमी नहीं थे कि अंग्रेजों ने छोटा सोचा कि छोड़ दो छोटा मोटा आदमी है ऐसे ही आया होगा छोड़ दो, इतना ज़्यादा क्या टेंशन लेनी। फिर भी इन्होंने मतलब अपनी बात रखी और बहुत सारे किसान इनके साथ आ गए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी ज़्यादा इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं, हम लोग एक इंडिगो कमीशन बना देते हैं। इंडिगो कमीशन मतलब कुछ लोगों का इस पर इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं, और गांधी जी को बोला आप भी इसके मेंबर बन जाओ और आप लोग डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। इन लोगों ने इंडिगो कमीशन ने डिसाइड किया कि ये बात गलत है कि जो अंग्रेज लोग कर रहे हैं ना, क्या जो ये मतलब ज़बरदस्ती इंडिगो की फसल करवा रहे हैं किसानों से, ये गलत है, और अब से इसके बाद में कोई भी किसान को ज़बरदस्ती आप वो नहीं करा सकते हो, फसल नहीं करा सकते। और अगर मतलब जो जो किसानों से कईयों की ज़मीन ले ली गई थी या कईयों की ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही है, तो उनको कंपनसेशन दो, आप पैसा दो उनको थोड़ा, ठीक है। तो ये चंपारण में पहला मोमेंट हो गया 1917 में, ठीक है। सेम 1918 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ कि एक अहमदाबाद में क्या हुआ, एक मिल थी, मिल मतलब जो कपड़े उपड़े की मिल होती ना, तो ये पहली बार इनको क्या, उनके वर्कर्स थे और एम्प्लॉयर भी उनके इंडियंस थे। इसमें क्या थे, किस किस के बीच में था, इंडियन और किसके बीच में था, ये खेल किसके बीच में था, इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में, मतलब ब्रिटिशर्स और नीचे किसान कौन थे, इंडियन, ऊपर प्लांटर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स। पर यहाँ पे क्या थे, मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे वो भी इंडियन थे, और उसके अलावा जो मतलब जो उनके मालिक थे मिल के वो भी इंडियन थे। तो यहाँ पे थोड़ी दुविधा की बात थी कि भाई दोनों इंडियन हैं तो अब क्या किया जाए। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे कि वो उस एरिया में प्लेग आया था कुछ सालों पहले, ठीक है। प्लेग मतलब जो एक चूहों से एक बीमारी हो जाती है, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो इतना नहीं है। तो ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ना कि क्या ग्रेट बुबोनिक प्लेग क्या आया था, ठीक है। बहुत सारी लाखों करोड़ों लोग मर गए थे उसमें, ठीक है। तो इस ये प्लेग
आने की वजह से क्या हुआ था कि जो हर किसी की हालत ख़राब थी, मजदूरों मजदूरों की, ठीक है, उनकी मतलब बहुत सारों की मतलब ये था कि हेल्थ पे ही सारा पैसा चला जा रहा था इस तरह से। तो मिल वर्कर्स ने क्या किया था, इनकी हेल्प करने के लिए मिल मालिकों ने इनको एक बोनस देना स्टार्ट किया था, जिसको प्लेग बोनस के नाम से जानते थे, ठीक है। अब वो मिल मालिक बोलने लग गए कि अब प्लेग तो ख़त्म हो गया, अभी वो बोनस को ख़त्म करते हैं। पर वर्कर्स बोले कि नहीं साहब, ये तो अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, ये क्या आप ख़त्म नहीं कर सकते इसको। तो इस वजह से गांधी जी को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और गांधी जी ने बोला कि भाई सही बात है यार, मतलब ठीक है प्लेग ख़त्म हो गया, पर इनको मिलना चाहिए, मतलब इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और मिल आप मालिक हो, आप लोग अच्छा खासा कमीशन कमा रहे हो, तो आप इतना नहीं कि भाई इनको कुछ भी ना दो, तो इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो गांधी जी ने बोला इन लोगों को कि भैया तुम सब स्ट्राइक पे चले जाओ, ठीक है, और मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा, जो भी वहाँ पे वर्कर्स थे और मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा और मैं भूख हड़ताल करूँगा। तो ये पहली भूख हड़ताल पे बैठ गए मिल वर्कर्स सारे के सारे मिलके गांधी जी के साथ में, मिल मालिकों के साथ में। तो फाइनली वो केस कहाँ चला गया, ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल मतलब अदालत में पहुँचा, और अदालत ने बोला कि ठीक है पूरा पूरा तो आप नहीं दे सकते बोनस, पर 35% दे दो, पहले 100 रुपये दे रहे थे तो अब 35% प्लेग वाला बोनस दे दो, ठीक है। वहाँ पे इनकी ये हंगर स्ट्राइक ख़त्म हुई, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल थी इनकी। फिर उसी साल में क्या हुआ कि खेड़ा में एक और घटना हो गई, ये भी गुजरात में एक जगह है। तो खेड़ा में क्या हुआ था कि खेड़ा नाम की गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे एकदम से जो खेती थी, ठीक है, वो ड्रॉट के कारण, ड्रॉट मतलब सूखे के कारण नहीं हुई, ठीक है। अब खेती नहीं होती थी तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, ब्रिटिश लॉ था, उसमें यह था कि अगर खेती 50% से कम होती, मान लो आपके पहले 100 क्विंटल गेहूं होता था और अभी हुआ आपका 50 से कम, मतलब 48 क्विंटल हुआ या 47 हुआ या 30 हुआ, जो भी है 50 से कम, तो आपको लैंड रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं है, है ना, जो भूमि कर जो अंग्रेजों को देते थे वो देने की ज़रूरत नहीं है। शुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम ए पीजेंट हु हैज़ लॉस्ट मोर देन 50% ऑफ द प्रोड्यूस, अगर 50% से ज़्यादा लॉस हो गया किसी किसान को तो उसको वो भूमि कर देने की ज़रूरत नहीं है। पर अंग्रेज नहीं मान रहे थे, वहाँ की जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बोला नहीं, हमको तो चाहिए तो चाहिए, मांगता तो मांगता, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, गांधी जी के पास ये न्यूज़ पहुँची, गांधी जी जाके देखे सही में सूखा था और ऐसा कानून भी है, तो उन्होंने बोला आप ये तो अवेलना कर रहे हो कानून की एक तरह से। तो गांधी जी ने बोला कि भैया अब ठीक है, अब हम ये आपको कर देना बंद कर देंगे, ठीक है, और सबको किसानों को बोला कि कोई टैक्स मत दो जब तक ये लोग मानते नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई थोड़ा देखा गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बाद में बोला थोड़ा सा, क्योंकि गांधी जी उस एरिया में पॉपुलर भी हो गए थे और गवर्नमेंट ने भी सोचा कि छोटा मोटा आदमी है, ठीक है, इतना ज़्यादा इससे क्या कन्फ्रंट करना, तो उसने सोचा कि गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ठीक है बाद में, क्योंकि कानून भी गवर्नमेंट ने बनाया था पहले ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो एक बीच का पाथ निकाल लेते हैं हम लोग, जो जो किसान दे सकता है, जो इस पोजीशन में है कि कर दे सकता है, रेवेन्यू दे सकता है, उससे ले लो, उसके बाद में और किसी से छोड़ दो। ये इनका फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मोमेंट था, मोमेंट, ठीक है, इंडिया में। तो ये तीन मोमेंट थे जो स्टार्टिंग डेज में इन्होंने किए, पर ये जो सारे मोमेंट अभी तक के गांधी जी ने किए, तीन जो बड़े हैं, इनमें कहीं भी आपने देखना कि पूरे मासेस को नहीं ले रखा इन्होंने, बस जिस गाँव में कुछ किया, जैसे खेड़ा है तो खेड़ा इलाके के होंगे 1000-2000 किसान होंगे, पर पूरा भारत तो नहीं आ गया इनके साथ में उस टाइम पे। तो ये एक छोटी छोटी जगह पे इनके स्ट्राइक्स थे, नॉन कोऑपरेशन थे, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन थे, या सत्याग्रह थे, या भूख हड़ताल थी, ये छोटे छोटे इलाकों में इन्होंने किया, ठीक है। अब आती है इनकी बड़ी बड़ी बात है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असली वाला। पर उससे पहले दो तीन घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। एक, आप लोगों ने सबने नॉन कोऑपरेशन का नाम सुना होगा, पता नहीं स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने चलाया था, या असहयोग आंदोलन के नाम से चलाया था। तो वो अचानक से 1920 में स्टार्ट किया गांधी जी ने। 1918 तक तो ये छुटपुट काम करते रहे, पर 1920 मतलब उन दो सालों में क्या हुआ, 1920 में ऐसी क्या घटनाएं हुई कि गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पे एक बार प्रकाश डालते हैं, ठीक है। पहली घटना बड़ी 1919 की, कि एक रोवलेट एक्ट आया था, नाम याद रखिएगा, रोवलेट एक्ट जब आया था इंडिया में, तो उस एक्ट में मतलब उस कानून में क्या था, रोवलेट में उसमें ये था कि किसी भी भारतीय को,
ठीक है, पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कौन से चार्जेज में, सिडिशन मतलब देशद्रोह के आरोप में किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, सस्पिशियस ग्राउंड बिना सबूतों के, लगभग आपको लग रहा है कि संदेह के आधार पर किसी भी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और विदाउट एनी ट्रायल कुड बी जेल्ड अप टू 2 ईयर्स, और कोई भी ट्रायल मतलब कोर्ट में प्रोड्यूस किए बिना 2 साल की जेल कर सकते हैं। जैसे कि आप सोचो इस टाइम पे मान लो गवर्नमेंट करना चाहे कि भाई जैसे मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे मतलब मेरी किसी से दुश्मनी है सिंपल से, तो मैं बोलूँगा ये देशद्रोह करने वाला था, इसको मैं पकड़ के लाया और जेल में डाल दूंगा, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई अदालत में भी नहीं ले जा सकता उसको, और क्या होगा सिंपल सी बात है, मैं 2 साल तक उसको जेल में डाल के रख सकता हूँ। तो ये तो बहुत गड़बड़ है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो आपको पुलिस वाले पकड़ भी ले जाए तो उसको आपको अदालत में पेश करना पड़ता है, और अदालत में आप अपना वकील रख सकते हो और वहाँ पे दलील होगी और जज भी रहेगा, तो जज अगर आपकी बात सही है और पुलिस ने गड़बड़ किया तो आपको छोड़ देगा। पर इस कानून के तहत ऐसा था ही नहीं, अदालत में आपको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपको लगा कि सेडिशन किया है या देशद्रोह का मामला इस पर लग गया है, वो पुलिस वाला डिसाइड करता था कि कौन देशद्रोही है कौन नहीं है, सिंपल हो जाए। इसके बारे में बोलते हैं नो अपील नो दलील नो वकील, कुछ भी नहीं था, मतलब किसी को भी ये लोग डाल सकते थे जेल में, सबका दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा कौन सा ये कानून तो बहुत गड़बड़ है। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय पिता या जो भी कहते वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, मतलब जैसे आज की लोकसभा मान लो उस तरह के काउंसिल में थे, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया कि नहीं मैं इसके खिलाफ हूँ इस कानून के। और गांधी जी का भी थोड़ा दिमाग खराब हो गया इस चीज़ से, उस टाइम पे इन्होंने उस सर्वधर्म प्रार्थना सभा का निर्माण किया, उस एक प्रेयर मीटिंग होती थी, मतलब वहाँ पे वो भजन वगैरह गाते थे कुछ भी, और सारे धर्मों के लोगों को इन्वाइट करते, ये उस टाइम की बात है। तो एक पहला चीज़ है रोवलेट एक्ट आया। फिर दूसरी जो बड़ी घटना, और आप लोगों ने सब ने इसके बारे में सुना, जलियांवाला बाग मसकर मतलब हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल भी याद रखिएगा, बैसाखी का दिन था 1919 का। जलियांवाला अमृतसर में एक जगह है, जब भी आप जाएंगे कभी अमृतसर तो देख के आना। उसमें क्या था कि उस एरिया में किसी भी घटना की वजह से कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो रही थी और वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। जैसे आज आपके एरिया में कर्फ्यू लगे, काफ़ी जो सिटीज़ में रहते हैं आपको पता होगा कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू में क्या होता है, लोगों की असेंबली रुक जाती है, मतलब आप 4 जनों से लगभग ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते, ठीक है, तो 4 जनों से ज़्यादा हो गए तो आपको जेल में डाल सकते हैं इकट्ठे, जब कर्फ्यू लग जाता है। तो लोगों को इसका पता नहीं था 13 अप्रैल को, लोगों को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि उस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था, पंजाब में बहुत ज़्यादा मनाते हैं बैसाखी को, तो बहुत सारे आसपास के किसान उसान वो यहाँ पे मनाने के लिए आ गए, मार्केट भी लगा हुआ था और उसमें सब लोग एक मेले की तरह एक साथ इकट्ठे हो गए, ठीक है। अचानक से क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, कुछ लोग जैसे होता है ना मेले में अचानक से लोग आ गए कुछ हल्ला करने के लिए कि ये गलत है, अंग्रेजों को भगाना है इस देश में, समथिंग समथिंग, तो कुछ 2 बड़े लीडर्स गिरफ्तार हुए थे उसी टाइम पे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। ये पंजाब में 2 बड़े लीडर्स उस टाइम पे गिरफ्तार कर लिए थे अंग्रेजों ने। अब ये क्यों हुए थे वो अलग बात है, ये सब कुछ कीजिए, मतलब आपको गिरफ्तार हो गए वहाँ पे, तो इनके चूँकि अब इतनी सारी भीड़ है तो कुछ लोग उनके प्रचारक आ गए इन दोनों को, इन दोनों की कि भाई ये गलत हो रहा है, अंग्रेजों ने हमारे 2 लीडर्स को वो कर लिया, और मेले में ये अपनी बात रखने लग गए बढ़ चढ़ के। तो क्या हुआ कि ये जनरल डायर था, एक जनरल डायर उस जगह पे आया, उसने देखा कि ये तो तोहीन है, मैंने कर्फ्यू लगा रखा और ये लोग तो हमारे खिलाफ बगावत करने के मूड में, तो ये लोग तो बेचारे बहुत गाँव गाँव से आए थे, इन कोई बगावत करने के मूड में नहीं थे, इनको पता भी नहीं था कि कर्फ्यू लगा है, इनको ये भी नहीं पता था कि कुछ लोग आके और ये कुछ प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे और हम इसमें फंस जाएंगे। तो अब ये चारों तरफ से जलियांवाला बाग, ये चारों तरफ से बाउंड्री है और एक तरफ से एंट्री है इस एरिया से जहाँ पर किसान खड़े, ये अंग्रेजी अफसर खड़े, और यहाँ पर एक कुआ था, सॉरी ये रहा कुआ, कुआ दिख रहा है सबको, ये रहा कुआ। तो क्या हुआ कि जनरल डायर ने बोला कि भाई ये तो मेरे आदेशों की अवहेलना है, कर्फ्यू लगा रखा है फिर भी ये लोग इकट्ठा हो गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को गिराने या इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इसने क्या किया कि बोला कि चलो, और यहाँ से एग्जिट था तो इसने बोला कि सब पे गोलियाँ चलाओ। आप इस चीज़ को देखिए, जहाँ पे एंट्री है वहाँ पे खड़े हो गए सब लोग और गोलियाँ चलाने लगे। ये देखिए आपको इसमें एक विचित्र चीज़ लगी, कुछ लोग खड़े होकर गोलियाँ चला रहे, कुछ बैठे होकर चला रहे, मतलब कि इसका आदेश था कि कोई भी नहीं बचना चाहिए, बच्चा तक नहीं बचना चाहिए,
क्योंकि ऊपर से गोलियां चलाते हैं तो नॉर्मली कई बार बच्चे बच जाते हैं, नीचे हाइट के कम होती है, तो बैठ के भी गोलियां चलाओ, कोई लेट जाए तो उस पर भी गोली चलाओ। निहत्ते लोगों पे इन्होंने गोलियां चला दी। यहाँ पे एक कुआं था, उससे बचने के लिए लोग इस कुएं में कूद गए। अब कुएं में एक के ऊपर एक लोग कूदते गए जान बचाने के लिए, तो ये मान लीजिए कुएं में लोग दब दब के मर गए, पता नहीं कितने लोग। तो गवर्नमेंट, तो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि 379 लोग मरे थे, पर एक्चुअल में 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, ऐसा लोगों का मानना। अब ये घटना हो गई, पूरे भारत में इसके खिलाफ रोष था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि कोई क्या करें इसके खिलाफ, तो एक कमीशन बना दिया, हंटर कमीशन, कि भाई ठीक है जो भी हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, देखो भाई ये क्यों घटना घटी। अंग्रेज भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कमीशन बना देते देखने के लिए, पर इसको क्लीन चिट मिल गई जनरल डायर को, और एक तरह से उसकी वहाँ पे जो ब्रिटिश में जो उनकी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने इनको एक तरह से बोला कि ब्रेवरी के लिए बहुत, कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, वहाँ पे सराहना की। भारत में लोगों का गुस्सा चरम पे था इस चीज़ से, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो अंग्रेज दे देते थे किसी किसी को, जो बहुत लर्नेड लोग होते थे या पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको नाइटहुड के नाम उपाधि दे देते थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वो लौटा दी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई नाइटहुड की एक वो चीज़ है कि क्राउन है कि वो लौटा देंगे, मतलब इन द सेंस कि उनने बोला कि मेरे को आपने ये दिया है, मैं इस डिग्री को लौटाता हूँ, मैं इसको इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करता। गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद का जो गोल्ड मेडल था उसको लौटा दिया, बोले ये जलियांवाला बाग आपने बहुत गलत हुआ। तो इस तरह की घटनाएं हो रही थी, ठीक है। सेम उस टाइम पे क्या किया अंग्रेजों ने, एक कानून और लिया। तो लोग सोच रहे थे कि भाई कुछ नया कानून, हर 10 साल में लगभग एक कानून आ रहा था, तो अंग्रेज लोगों ने सोचा कि कुछ नया कानून आने वाला है। और ये कानून कहाँ से बन के आता था, इंग्लैंड से बन के आता था भारत के लोगों के लिए। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो कुछ बढ़िया कानून आएगा और थोड़े बहुत हम लोगों को रियायतें मिलेंगी, ठीक है। तो जो नया कानून आया उसका नाम था मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, पहले वाला था मोरले मिंटो, अभी कौन सा था मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, नाम याद रखिएगा मोंटागू चेम्स। ये पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ये वॉइसरॉय का नाम होता है सेकेंड वाला, ठीक है। उसमें भी ऐसे था, मिंटो पहला वाला मोरले क्या था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेकेंड मिंटो क्या था वॉइसरॉय, ठीक है। तो इसका नाम था मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है पर याद रखना, पूछ लेते हैं चीज़ें। इसमें क्या किया कि अंग्रेजों ने दिमाग लगाया थोड़ा बहुत कि किस तरह से भारत की और कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव की जाए, क्योंकि धीरे धीरे आंदोलन तो बढ़ते जा रहे थे, है ना। उनको भी समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ करके हमको अगर रुकना है तो हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेगी कि जिससे कि लोग थोड़ा थोड़ा खुश होते रहें, और हम लोग अपना काम, हमारी जो लूट पाट है अपने देश से सारा धन धान लूटने का, वो लूट लाट के और खोखला करके देश को चले जाए। तो इन्होंने कुछ एक्ट थे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने चार लिख दिए हैं। पहला डायर की इन द प्रोविंस, प्रांतीय सरकार, दो तरह की सरकारें होती हैं आपको भी पता है, एक सेंट्रल में होती है और एक स्टेट में होती है। जैसे आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की सरकार भी होगी, और सेंट्रल में जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो इस तरह से जो प्रांतीय सरकारें थी, जो मतलब स्टेट में थी जैसे आपकी महाराष्ट्र की, उनमें सब में क्या कर दिया कि डायर की स्टार्ट कर दी इस कानून के बाद, मतलब और इनको मजबूत बनाया गया, उनको बहुत थोड़ी पावर दी गई। पहले सारी पावर दिल्ली के पास थी एक तरह से, इसके बाद में थोड़ी थोड़ी पावर प्रोविंसेस को या स्टेट्स को दी गई, ठीक है। और द्वैध शासन बोलते हैं डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी द्वैध शासन ये होता है कि भाई जैसे गवर्नर है एक स्टेट का और एक गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे दो तरीके से चलेगा। कुछ गवर्नर जैसे अभी क्या है, अभी आप जैसे कि आपका महाराष्ट्र में आप हैं तो महाराष्ट्र का एक गवर्नर होगा, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है, जैसे उद्धव ठाकरे जिनका चीफ मिनिस्टर। तो अभी तो सारी की सारी पावर किसके पास में, उद्धव ठाकरे जी के पास में, हेल्थ या डिफेंस तो आएगा नहीं, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, सैनिटेशन हुआ, या कोई भी चीज़ हो गई वो उद्धव ठाकरे के पास में। पर उस टाइम पे क्या होता था, द्वैत मतलब डायरेक्टिंग मतलब कुछ तो पावर्स उद्धव ठाकरे जी के पास होगी और कुछ गवर्नर के पास होगी, ठीक है। अब गवर्नर किसका एक तरह से मुर्गा होता था, वो होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब ये जो दिल्ली में बैठते थे वॉइस रॉय का, तो एक तरह से वॉइस रॉय सीधा कंट्रोल करता था स्टेट्स को। तो कुछ पावर्स वहाँ की गवर्नमेंट को दे दिया और कुछ किसको दे दिया, गवर्नर को, इसको बोलते हैं डायरकी। पर ये कहाँ पे लागू हुई, सिर्फ प्रोविंसेस में, ठीक है, सिर्फ प्रोविंसेस में ये लागू हुई, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बाई कैमरलिज्म, लेजिस्लेटर एज द सेंटर,
नाम थोड़े से अटपटे आपको लग सकते हैं पहली बार सुन रहे हो तो, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, मतलब जैसे अभी है लोकसभा और राज्यसभा, इससे पहले तक एक ही सभा होती थी, अब क्या होगी दो दो सभाएं होगी, ठीक है। कोई भी कानून पास करना है गाँव से कानून पास होगा, एक से नहीं होगा। तो ये कहाँ पे, सेंट्रल में। तो सेंट्रल में तो कर दी द्विसदनीय कर दिया सेंट्रल को, मतलब बाइकैमरल कर दिया, और प्रोविंसेस में डायरकी ला दी, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट तो मोलेमेंटो में आ गया था, पर मोलेमेंटो में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था, सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, अभी किसको दे दिया, सिख्स को दे दिया, सिखों को, और एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस किन को बोलते थे, जो भारतीय भी है और जो ब्रिटिशर्स भी है, मतलब जिनके हो सकता है कि पापा ब्रिटिश के हैं और मतलब मम्मी भारतीय है, समथिंग इस तरह से, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, इनको भी मिल गया यहाँ पे अधिकार। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सिख आदमी कोई खड़ा होगा चुनाव में तो उसको सिर्फ सिख वोट डालने जाएंगे और कोई नहीं डालेगा, तो ये मतलब जो मतलब हिंदू होगा वो नहीं डालेगा उसको वोट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब थ्री लिस्ट आर ड्रॉन, अभी इस टाइम पे क्या हुआ था, इससे पहले सब कुछ इंटरमिंगल था, सेंटर ही सारा का सारा चीज़ें देखता था, स्टेट्स का भी सब कुछ सेंटर ही देखता था। अभी इन्होंने तीन लिस्ट बना दी, एक यूनियन की लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट, एक स्टेट की लिस्ट। इसके बाद में तो इसमें बताया गया कि जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल के मैटर्स को देखेगी, जो स्टेट के लिस्ट में जो जो चीज़ें होंगी वो स्टेट के गवर्नमेंट देखेगी, और कॉन्करेंट जो बीच में जो सेंटर भी देखना चाहिए और जो स्टेट भी देखना चाहिए वो कॉन्करेंट लिस्ट हो, जैसे अभी चल रहा है। अभी सारे के सारे पावर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पास नहीं है, सारी की सारी पावर आपके उद्धव ठाकरे जी के पास में नहीं है, कुछ पावर्स है उद्धव ठाकरे जी के पास में, कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो पावर्स है उनको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, जो स्टेट के पास होंगे उसको बोलेंगे स्टेट लिस्ट, और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पे स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। तो ये एक कानून आया, इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इंडियंस सोच रहे थे हमको कुछ अपनी गवर्नमेंट मिलेगी खुद की, अंग्रेज बोलेंगे कि 10-20 साल में हम लोग जा रहे हैं तुम खुश रहो, पर यहाँ पे इस कानून में कुछ भी ऐसा नहीं था, तो इंडियन इससे भी खपा थी, ये कोई कानून नहीं है, फालतू में बेकूफ बनाया गया, कहीं पे डायर की लगा दी, कहीं बाइक का कैमरेलिज्म कर दिया, किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, हमको क्या फ़ायदा हुआ इससे, तो ये तो बताओ हमारा, हमको कैसे मतलब ये एक तरह से डेवलपमेंट में क्या फ़ायदा होगा। फिर एक और आंदोलन उसी टाइम पर स्टार्ट हुआ, देखिए कितने एक ही टाइम पर कितने आंदोलन चल रहे, खिलाफत मूवमेंट। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 या 19 में ख़त्म हो गया था, तो उस टाइम पे टर्की एक कंट्री थी, ठीक है, तुर्कीस, वो जर्मनी के साथ थी, किसके साथ थी, जर्मनी के साथ, और ब्रिटेन के खिलाफ थी, पर वो हार गई विश्व युद्ध में, तो जो हारे उनके साथ में तो जब ट्रीटी होती थी तो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती थी उनको, मतलब जो जीता है उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। तो टर्की के साथ में क्या प्रॉब्लम हो गई कि जब टर्की हार गया विश्व युद्ध में तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बहुत सारी शर्तें लगा दी उन पर कि आपको आगे आगे इस तरह से गवर्न करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, टर्की में ऑफिस ऑफ खलीफा है, ठीक है, खलीफा मतलब मुस्लिम्स का सबसे बड़ा रिलीजियस गुरु, ठीक है, रिलीजियस मतलब धार्मिक गुरु जो मुस्लिम्स का सबसे बड़ा, उसका ऑफिस कहाँ था, टर्की में, मतलब उसका सारा का सारा एक तरह से जहाँ पे वो से मतलब सेंट्रल प्लेस कौन सा था, टर्की में। तो अभी इन्होंने लगा दिया ब्रिटेन ने, नहीं ये कोई खलीफा वलीफा नहीं चलेगा, ख़त्म करो अपना खेल। तो जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स थे वो इस चीज़ से खफा थे और वो चाहते थे गवर्नमेंट ऐसा ना करे और जो टर्किस में जो खलीफा है उसको पूरा पूरा पावर दिया जाए, जो भी मुस्लिम वाले मतलब रिलीजियस प्लेसेस है, मतलब जगह हैं, जैसे जैसे मस्जिदें हैं, ये सब कुछ है, उनके लीडर उसी को रहना चाहिए। जबकि ब्रिटिशर्स ने इस तरह से कर दिया था कि अब ये जो मस्जिद वगैरह सब गवर्नमेंट वहाँ की तय करेगी, कोई खलीफा का रोल नहीं चलेगा और गवर्नमेंट किसकी बनेगी वो ब्रिटिशर्स तय करेंगे एक तरह से। पर भारत के जो मुस्लिम थे तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारे रिलीजियस गुरु हैं तो हमारे इसका इनको इनको तो थोड़े बहुत अधिकार इनके पास रहने चाहिए और जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो भी धार्मिक स्थल है उन वो तो खलीफा के पास रहने चाहिए, ठीक है। पर अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे तो एक इन्होंने खलीफा खिलाफत कमेटी बना दी। और तो कुछ मुस्लिम्स ने मिलके एक कमेटी बनाई जिसको खिलाफत कमेटी बोलते हैं, और वो मुस्लिम्स में जो लीडर्स थे उस उनके वो अली ब्रदर्स थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, आप सिर्फ अली भी याद करेंगे, अली ब्रदर्स, अली भाई।
उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये जो अंग्रेज कर रहे हैं, अब वो तो ब्रिटिश, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी ब्रिटिशर्स थे एक जैसे थे, उनकी गवर्नमेंट तो ब्रिटेन में थी। तो इन्होंने मतलब एक तरह से बोला कि हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, खलीफा जो टर्की में है, और टर्की विश्व युद्ध में हार गया है, ठीक है हार गया, आप लोगों की जो जीता है उसको अपने हिसाब से संधि की शर्त रख सकते हैं, पर कम से कम जो हमारे रिलीजियस गुरु है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं खलीफा, उनकी उनको सारे के सारे धार्मिक स्थलों का मतलब एक तरह से कंट्रोल दे दीजिए, ठीक है। अंग्रेज माने नहीं, तो इन्होंने बोला कि हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, मुस्लिम लोगों ने, और क्या कमेटी का नाम क्या रखा उसका, खिलाफत कमेटी। अब खिलाफत कमेटी की देखो मीटिंग होती है, और अली ब्रदर्स बोले यार हमको तो कोई जानता नहीं है भारत में, हम कैसे अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट कर देंगे। तो गांधी जी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि गांधी से बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता इस टाइम पे, इस पूरे हमारे मूवमेंट को लीड करने के लिए। तो गांधी ने क्या किया कि इन्होंने खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को बुलाया कि आप हमारे मूवमेंट को लीड कीजिए। गांधी जी बोले ठीक है, सही बात है, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पर और इन्होंने क्या किया, अली ब्रदर्स ने क्या बोला कि नहीं आप, और आप हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे, आप जैसे बोलेंगे वैसे के वैसे हम अपना मूवमेंट को चलाएंगे। तो खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी इनको बना दिया गया गांधी जी को। देखो मुस्लिम्स का मूवमेंट है पर गांधी जी उनके प्रेसिडेंट है, ये देखिए है ना कितनी बड़ी बात, ठीक है। तो ये, और उसी टाइम पे गांधी जी ने बोला कि सही बात है, आपका भी मूवमेंट चलेगा खिलाफत वाला, और मैं अपनी तरफ से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई, रोवलेट एक्ट आ गया, मोंटेगो चेम्सफोर्ड आ गया, और जलियांवाला बाग हो गया, और मैं भी अपने तरफ से मूवमेंट एक बड़ा करने वाला था, तो मैं भी करूँगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, अली बरदर सिंह ठीक है, पूरा भारत करो, भगाओ इनको अंग्रेजों को। तो एक साथ खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ स्टार्ट हो गया, एक ही साथ, ठीक है। खिलाफत वाले का अपना मकसद था, असहयोग वालों का अपना था। असहयोग वालों ने बोला कि भाई नहीं, ये अंग्रेजों का शासन ख़त्म करो, बहुत सारे नाटक कर रहे हैं हमारे साथ में, तो एक साथ में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। गांधी जी दोनों के लीडर थे, तो इन सब ने एक साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं इसको, एक साथ जिस दोनों दोनों को मिला के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोल सकते हो, या सिर्फ खिलाफत अलग बोलो, असहयोग अलग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में अब क्या क्या रीज़न थे कि खिलाफत, या सॉरी खिलाफत का तो एक ही रीज़न था है ना, आपको पता है टर्की का खलीफा की का रीज़न, पर नॉन कोऑपरेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया वही है। क्यों क्यों स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन, एक तो मोंटेगो चौंसफोर्ड 1919 वाला इंडिया का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कुछ खास नहीं था, भारतीयों को बिल्कुल लुभाया नहीं, और भारतीयों ने मान लिया कि अंग्रेज़ हमारी कोई बात नहीं सुनने वाले, और ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, डायर की दे देंगे, बाई कैमरलिज्म दे देंगे, हमारे को कोई अच्छा अधिकार नहीं मिलने वाला, तो हम लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत है, सिंपल बात। रोवलेट एक्ट आया था, रोवलेट एक्ट 1919 में आया, उसमें भी ये था कि भाई कुछ भी मतलब प्रावधान बना दिए कि 2 साल की जेल, बिना कोर्ट में ले जाए हुए कोई भी पुलिस वाला संदेह के आधार पे किसी पे भी देशद्रोह का आरोप लगा के दे सकता है, 2 साल आप सड़ते रहो जेल में और कुछ नहीं। फिर जलियांवाला बाग में हत्याकांड में हो गया, और उसके बाद में जो इनका इंक्वायरी हुई हंटर कमीशन, उसने भी जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी, और बस हो गया खेल खत्म। तो उससे भी लोग मतलब पूरे एक तरह से खफा थे, और खिलाफत वालों ने भी अपना साथ दिया, ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया टर्की की वजह से, ठीक है। तो एक तरह से पूरा पूरा मोमेंट खिलाफत प्लस ये जो सारी चीज़ें हुई, इन सब के कारण एक मोमेंट स्टार्ट किया गांधी जी ने, पूरा मास बेसिस पे पूरे इंडिया के लोग, जिसमें आह्वान किया कि सब लोग एक साथ आएंगे, उसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया, देखिए गांधी जी की सभाएं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब के सब लोग आ गए सड़कों पर, ठीक है। गांधी जी अपने स्पीच दे रहे हैं, इसमें गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने या लोगों ने क्या क्या काम किया उसको एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी कपड़ों को बिल्कुल त्याग देना है, बॉयकॉट कर देना उनका, खादी कपड़े को पहनना है, खादी और चरखा बहुत फेमस हो गए, खादी और चरखा हर घर में होना चाहिए, ठीक है, एक तरह से सिंबल बन गया ये प्रोटेस्ट का। इंग्लिश एजुकेशन में को बॉयकॉट करो, जो अंग्रेजी शिक्षा मिल रही है उसको बॉयकॉट करो। लॉयर्स को बोल दिया गया कि आप रिजाइन करो बार काउंसिल वगैरह से, ठीक है। उसके अलावा एक सेकेंड, हाँ उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जैसे वेंडर्स होते हैं या बार्बर्स होते हैं, बार्बर जो बाल काटते हैं, या मिल्क वेंडर्स मतलब दूधिया थे, उन्होंने बोला कि हम अंग्रेजी कॉलोनीज में
जाएंगे नहीं, ये सब चीजें देखो पहले भी हो चुकी है। कौन से मोमेंट में? स्वदेशी में सेम चीजें वापस से हो रही है, बस बड़े लेवल पे हो रही है। पहले वाले में किस सिर्फ कहाँ था, बंगाल एरिया में हो रही थी ज्यादातर चीजें, अभी कहाँ पे हो रही है, पूरे भारत देश में। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। ये ट्रूली मास बेस्ड और मतलब मूवमेंट था, मतलब जिसमें सही में मास, मास का मतलब समझ रहे हो ना, मास मतलब बहुत सारे लोग, मतलब समूह को बोलते हैं मास, ठीक है, जैसे हजारों लाखों का समूह, उसको मास बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, और ये पहला मूवमेंट था जिसमें सही में स्वदेश, स्वराज और इंडिपेंडेंस को मतलब मेन गोल माना इन लोगों ने, सब ने। जैसे बंगाल स्वदेशी मूवमेंट में उनका मेन गोल क्या था कि जो आप बंगाल का विभाजन कर रहे हो ये गलत है, इसी थीम को लेके ज़्यादातर बढ़े वो लोग। पर इस थीम, इस बार थीम क्या थी कि नहीं, हमको तो आप भागो ही यहाँ से, बंगाल विभाजन विभाजन कुछ नहीं, आप यहाँ से निकलो, ये फंडा था, ठीक है। चूँकि खिलाफत भी साथ में हो रहा था तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें बहुत तगड़ी थी, इस मूवमेंट में सब हिंदू मुस्लिम सब आ गए, ठीक है। आप देख सकते हो कितने लोग आते थे, कैसे देखते थे गांधी जी को, ठीक है। ये हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अंग्रेज भी परेशान हो गए थे ये हो क्या रहा है। अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है जिसने आंदोलन को ख़त्म कर दिया, वो क्या था, चोरा चोरी में, गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी, वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को कुछ लोगों ने, उग्र हो गए थोड़े किसान लोग थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया चारों तरफ से, और जो भी उसके पीछे घटना हुई होगी उन, मतलब उस मोमेंट में फाइनली क्या हुआ, उस जगह को जला दिया गया, उस मतलब एक तरह से उस पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। जो पुलिस वाले बाहर आते थे उनको वहाँ के लोग पत्थर मार के वापस से भेजते थे, लोग जल जल के दम घुटने से लोग पुलिस स्टेशन के अंदर ही मर गए, मतलब 22 लोग मर गए, जिंदा मर गए। गांधी जी ने बोला कि मेरी एक शर्त थी, क्या शर्त थी, कि इसमें हिंसा नहीं आनी चाहिए, मतलब वायलेंस नहीं आनी चाहिए, जो कि आ गई है मेरे मूवमेंट में, इसलिए ये हम लोग ख़त्म करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसी के साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया, जो कि जिससे कि हमको आज़ादी उस टाइम पे मिल सकती थी, पर गांधी जी के अपने सिद्धांत थे कि नहीं, जो है मतलब हम सही रास्ते से जाके ही आज़ादी लेंगे, ठीक है। इनको लगता था कि अगर आपने एक बार हिंसा स्टार्ट कर दी तो अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा और वो पिटने लगेंगे, मतलब लोगों को मारेंगे, ये सब कुछ करेंगे। और इनका कहना था कि अगर आप हिंसा नहीं करोगे तो कोई भी दुनिया की सुपर पावर हो, चाहे ब्रिटेन सुपर पावर है, उनकी बड़ी फोर्स है, पर आपको आपको ज़्यादा मार नहीं सकती, वो एक्सपोज हो जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी उसको कि ये लोग कितने निर्दयी लोग हैं। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था, पर आपने एक बार वायलेंस कर दी तो अब इनको मौका मिल गया कि आपने 22 लोगों को मार दिया, अब सबको हम लोग भी मारेंगे बराबर। तो इसलिए गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था कि अहिंसा ही मतलब मेन धर्म है, ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ आज